नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन ड्रोन शुरू किया है। अब मेरठ पुलिस की तीसरी आंख यानी ड्रोन कैमरे से अपराधों और अपराधियों पर निगाह रखेगी, उन पर नियंत्रण पा सकेगी। क्या है ऑपरेशन ड्रोन, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस अब ड्रोन कैमरे का सहारा लेगी। ड्रोन के जरिए पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अपनी इस योजना को ऑपरेशन ड्रोन का नाम दिया है। अपने इस ऑपरेशन की शुरुआत पुलिस ने कुख्यात इलाके किठौर से की। पहले ही दिन पुलिस ने गंगा के तराई के इलाके में ड्रोन उड़ाकर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोकशी हथियारों की तस्करी और गंगा किनारे कच्ची शराब के गोरख धंधे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद हथियारों के सौदागर और कच्ची शराब के तस्कर आपराधिक गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अपराधियों ने अब गांव और गंगा की तराई क्षेत्रों को अपना रास्ता और ठिकाना बनाया है। ऐसे में इन इलाकों में कार्रवाई और नजर बनाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन ड्रोन शुरू किया है। कैमरे पर जो तस्वीरें आएंगी वो पुलिस की आसमानी निगाह की, जिसे एक सुरक्षित जगह पर खड़े होकर पुलिस अधिकारी मॉनिटर करेंगे, पूरे इलाके को देखेंगे। ऑपरेशन ड्रोन से ये साफ साफ पता चलेगा कि गंगा किनारे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। लिहाजा पुलिस को जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत दिखाई देगी, पुलिस टीम एक्शन लेते हुए तुरंत कार्रवाई करेगी। बताते चले कि पुलिस ने किठौर के राधना गेसुपुर समेत कई गांव में निगरानी शुरू कर दी है। इसके लिए अलग अलग इलाकों में ड्रोन से निगरानी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, ताकि जल्द से जल्द आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। वहीं ऑपरेशन ड्रोन की जानकारी शेयर करते हुए सीओ कटिहार सुचित्रा सिंह बताती हैं कि ड्रोन के जरिए हमें अपराधियों को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि किठौर के दर्जनों गांव में अब निगरानी शुरू कर दी गई है। अलग अलग इलाकों में ड्रोन से निगरानी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, ताकि जल्द से जल्द आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।